नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सिविल डिज़ाइन में। आज के इस वीडियो में जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का एमपी के जावा डिस्ट्रिक्ट में काम चल रहा है उसकी अपडेट के बारे में देखेंगे। इस वीडियो में सबसे लंबे पारी का अपडेट देखेंगे जो कि रूपगढ़ विलेज के पास में है। ये पैकेज मियती विलेज से स्टार्ट होता है और गुजरात बॉर्डर तक जाता है। यहाँ पर देखिए, ये जो लोकेशन है यहाँ पर माइनर ब्रिज का काम चल रहा है और यहाँ पे पियर लिफ्टिंग किया जा रहा है और पियर केप के लिए स्टेजिंग की जा चुकी है और रेनफोर्समेंट में कंक्रीटिंग की जाएगी। ये अबटमेंट बना के तैयार कर लिया गया है, एक लिफ्ट यहाँ पे करना बाकी है। यहाँ पे साइड स्लोप का कटिंग किया जा चुका है, साइड स्लोप का प्रोटेक्शन वर्क अभी करना बाकी है। इस पैकेज में बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं जिसमें छोटे बड़े बॉक्स कलवर्ट, माइनर ब्रिज और मेजर ब्रिज हैं जो एक एम्बैकमेंट से दूसरे एम्बैकमेंट को कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, इस पहाड़ी को इस मेजर ब्रिज के माध्यम से इस बड़े से एम्बैकमेंट से कनेक्ट किया गया है। ये मेजर ब्रिज 270 मीटर लंबा है जिसमें पर स्पैन का जो लेंथ है वो 35 मीटर है। तो यहाँ पे देखिए, पियर लिफ्टिंग का काम किया जा रहा है और ये जो पियर है इसमें पाइल का अभी फाउंडेशन बनाया जा रहा है। इस लोकेशन में काफ़ी हार्ड स्ट्रेटा था, उसको ब्लास्टिंग कर करके यहाँ पे एक्सकवेशन किया गया है और उसके बाद में यहाँ पे जो है स्ट्रक्चर का वर्क स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे सामने देखिए, पियर लिफ्टिंग का काम अभी जारी है। ये मेजर ब्रिज ये बड़े एम्बैकमेंट को जो कि हाइट में 13 मीटर है इसको कनेक्ट करेगा इस पहाड़ी से। ये हम पहाड़ी के दूसरी छोर पे हैं जहाँ पे इस पहाड़ी को दोनों साइड कम्प्लीटली काट के तैयार कर लिया गया है और DBM का जो वर्क है यहाँ पे फिनिश हो गया है और साइड में देखिए साइड शोल्डर भी डाल दिए गए हैं। इस पहाड़ी में केवल 200 मीटर में वर्क बचा हुआ है। अगर इस पहाड़ी की लेंथ की बात की जाए तो ये लेंथ में 900 मीटर लंबा है और हाइट जो है इसका लेफ्ट साइड में मैक्सिमम हाइट 65 मीटर और राइट साइड में इसका मैक्सिमम हाइट जो है वो 55 मीटर है। यहाँ पे देखिए, बेंच कट करके इस पहाड़ी को प्रॉपर स्लोप में मेंटेन किया गया है। हालांकि हार्ड स्ट्रेटा के अंदर स्लोप को मेंटेन करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ जो मटेरियल है वो ब्लास्टिंग से लूज किया जाता है। तो जहाँ पे ब्लास्टिंग की जाती है तो थोड़ा अंडरकट की वजह से स्लोप का फॉर्मेशन जो है उस बनने में काफ़ी दिक्कत होती है। ये देखिए, यहाँ पे ये केवल इस साइड में ये पोर्शन जो है लेफ्ट साइड का ये पोर्शन बचा हुआ है इस पहाड़ी में। यहाँ पे देखिए, डीजल टैंकर जा रहा है, वहाँ पे अभी सबग्रेड बनाया गया था और उसके ऊपर में GSB का काम किया गया है और ये साइड में जो लेफ्ट साइड का लोकेशन है वहाँ पे लगभग 200 मीटर में इस पहाड़ी का वर्क बचा हुआ है। तो ये पहाड़ी इस महीने के एंड तक ख़त्म होने की उम्मीद है। यहाँ पे देखिए, ये मॉर्निंग का टाइम है तो सारी मशीनरी जो है अपना मेंटेनेंस वर्क कर रही है
मेंटेनेंस के बाद में यहाँ पे मशीनरी को स्टार्ट किया जाएगा। ये जो रास्ता है आगे वहीकुलर अंडरपास पे जाता है। अगर इस पैकेज की बात की जाए तो यहाँ पे कोई मेजर रूट्स नहीं हैं, तो जो छोटे मोटे अंडरपास बनाए गए हैं कोई मेजर रूट नहीं है यहाँ पे। एक जो रूट है वो इंटरचेंज के पास है, थांदला कुशलगढ़ रोड जो एमपी को राजस्थान से कनेक्ट करती हैं। ये देखिए यहाँ पे राइट साइड में गर्डर लॉन्चिंग का काम किया जा चुका है, और ये जो है लेफ्ट साइड की लोकेशन। हम अभी दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, तो दिल्ली की तरफ इस पैकेज का चैलेंज घट रहा है और मुंबई की तरफ इस पैकेज का चैलेंज जो है बढ़ रहा है। तो ये जो है लेफ्ट साइड का लोकेशन राइट साइड बनेगा और जो राइट साइड है वो लेफ्ट साइड बनेगा। यहाँ पे देखिए सर्विस रोड में कुछ पॉइंट प्लस में थे, उनको ग्रेडर से कट किया जा रहा है। ये आप सामने देख रहे होंगे ये एक मैकेनिकल डोजर है जो बड़े मटेरियल को आगे की तरफ धकेलने के लिए यूज़ किया जाता है। बारिश से पहले का व्यू देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में, बहुत ही बादल आए हुए हैं और ये एक साइट इंजीनियर के लिए राहत की बात है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। इस पैकेज की आगे के अपडेट के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम जो सबसे बड़ा पहाड़ी है उसका अपडेट देखेंगे, वहाँ पे कितना कटिंग हुआ है, कितना रोड निकला है, सारा कुछ। तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिख के बताएँ। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।